ठीक है। तो चार्जिंग पर हमारा जो है थ्योरी तो कंप्लीट हुआ है ना, लेकिन आप लोगों को मन में डाउट होगा कि थ्योरी तो हो गया, प्रैक्टिकल का क्या है ना, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से काम तो होना नहीं है। जो थ्योरी हुआ है उसका रियल हमें प्रैक्टिकल करना होगा। क्या करना होगा? अगर हम रियल प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपके मन में कुछ ना कुछ शंका और डाउट रह जाएगी, तो हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, है ना। अच्छा, मैंने कहा था कि जो चार्जिंग फॉल्ट है आपके पास, आज आप चार्जिंग फॉल्ट लेके आइएगा। तो किसने किसने चार्जिंग फॉल्ट लाया है? आप लाए हैं, और कौन लाया है? दीपू आप भी बोल रहे थे लाए। कौन सा मॉडल है A1K। दिखाएंगे क्या किया उसमें आपने, दिक्कत क्या है? चार्जिंग एरर आ रहा है। चार्जिंग एरर आ रहा है, कुछ किया आपने उसमें? अभी नहीं। बैटरी बैटरी चेंज करके नहीं देखे? ठीक है, रुकिए, आप दीजिए, आप अपना सेट दीजिए। इसमें आपने बैटरी चेंज किया है? जी नहीं, बैटरी है। ठीक है, चार्जिंग की क्या दिक्कत है इसके अंदर? बैटरी है। बैटरी एरर, जीरो पॉइंट नाइन से डाउन हो गया आपका एम्पियर, यानी अप और डाउन कर रहा है। देखिए, जहां एम्पियर फ्लैक्चुएट करे, एक चीज नोट नहीं कराइए हमने, जहां आपका एम्पियर फ्लैक्चुएट करेगा, ये देखिए, ये आपका अप डाउन होगा। ठीक है, देखिए 5 6 4 7 9 8 0 2 है ना, क्या हो रहा है? जहां अप डाउन हो तो समझ जाइए कि वो आईडी लाइन की प्रॉब्लम है, लेकिन यहां कुछ लिख रहा है, ये लिख रहा है बैटरी एरर, बैटरी कॉन्टेक्ट एरर करेक्ट, प्लीज चेक इट, है ना। तो ये हमने नोट कराया था कि ये लाइन प्रॉब्लम कहां से है, नोट किया आप लोगों ने, कहां से प्रॉब्लम है? आईडी लाइन से। ठीक है, तो पहले आईडी लाइन को हम चेक करेंगे, वहां से भटकेंगे नहीं, है ना। और आईडी लाइन को चेक करने के बाद ही अगर वो सही है तब हम दूसरी लाइन को ट्रेस करेंगे कि दिक्कत कहां से है। आईडी लाइन पर वोल्टेज कितना आना चाहिए अगर हम चार्जर लगा के रखते हैं तो? 1.8। सीधे पहले हम 1.8 चेक करेंगे ना, जब 1.8 की प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी, तब उसके बाद हम दूसरे हिसाब से इसको देखेंगे। वहां डिस्प्ले में दिखाइए, लेकिन मीटर भी यहीं से दिखेगा ना। ठीक है, चार्जर हमारा लगा हुआ है, अच्छा पहले बैटरी पर देखना होगा इसमें आईडी कौन है, थर्मल कौन है ना, यहां से जूम करेंगे दिखेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है डी ऊपर है और टी नीचे है, इसका मतलब ये हुआ कि आईडी लाइन आपके ऊपर है और थर्मल लाइन नीचे है, तो हमें आईडी लाइन चेक करना है। देखिए वोल्टेज कुछ आया क्या? नहीं, वोल्टेज कुछ नहीं आ रहा है, वोल्टेज कुछ नहीं आ रहा है, नहीं, जीरो जीरो है। हाँ, चार्ज लगा हुआ है। चलिए ठीक है, अभी आया कितना? 1.7, मतलब 1.8 आ रहा है। 1.8 आ रहा है, आ रहा है। बैटरी कनेक्ट करके देखें, इसका आईडी का टीपी कौन सा? ये है 1.8, यहां भी आना। बैटरी जरा दबाइएगा, वन पॉइंट एट, थ्री पॉइंट फोर, 1.7 जी, 1.7, 1.7, 0.0, 0.0। मतलब आईडी लाइन का वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, वो ड्रॉप नहीं कर रहा है। मतलब बैटरी डालने पे भी 1.7 बता रहा है, निकालने पे भी 1.7। हाँ, बैटरी लगाने के बाद क्या होना चाहिए? बैटरी लगाने के बाद ये ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन बैटरी लगाने के बाद ये ड्रॉप नहीं कर रहा है, तो हम करते क्या है कि हम पहले इसको करेंगे एक जम्पर बैटरी से, हो सकता है कि ये डिस्कनेक्ट हो रहा हो, क्यों? तो ठीक है,
जम्पर वायर कहाँ है जरा जम्पर वायर देखिएगा। हाँ ये बैटरी कई चेंज कर चुके हैं क्यों ये बता रहा था ना आप जी। ठीक है जम्पर हमने कनेक्ट कर दिया मतलब आईडी लाइन हमारे हिसाब से कनेक्ट नहीं हो रही थी शायद इसीलिए तो हमने क्या किया कि जम्पर लगा दिया। सेम प्रॉब्लम है ना ठीक है तो 1.8 आ रहा है लेकिन प्रॉब्लम सेम है तो हम देखते हैं ऐसा क्यों। तो इसका कोई इस्मेटिक तो है नहीं नहीं है ना नहीं। आपने देखा था जी इस्मेटिक भी नहीं है और आपका बिटमैप बिटमैप भी नहीं है। ठीक है तो इसको हम अब है नहीं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा मीटर को बीप पर रखना होगा और बीप पर हम चेक करेंगे कि आईडी लाइन हमारी जो आ रही है वो कहां से आ रही है। ये आ रही है ये ना चार्जर हटा के देखते हैं चार्जर लगा हुआ है ठीक है दिख रहा है सबको। तो यही है हमारा जो आईडी है ना आईडी लाइन का यानी आउटपुट है जो बैटरी को जाता है तो हमें इनपुट पर चेक करना है कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले आउटपुट देख लेते हैं अब देखिए यहाँ वोल्टेज आ रहा है 0.6 आईडी लाइन पर सीधे जाके देखते हैं 0.6 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं से लीकेज कर रहा है। देखिए अभी तो 0.8 था क्यों 1.8 था ना अभी इसके पहले अभी कितना आ रहा है अभी ये आ रहा आधा वोल्ट ठीक है मतलब आईडी लाइन पर आधा वोल्ट आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से कुछ लीकेज कर रहा है
तो इसका इस मैट्रिक और बिट मैप तो हमारे पास है नहीं। अब इसका दो रास्ता है, या तो हम इसको ढूंढे कि ये कहाँ से, लेकिन अगर ये थर्मल पैड से हुआ तब तो आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि थर्मल पैड क्या होता है, वो इंटरनल बोर्ड के अंदर होता है जो दिखाई नहीं देता, इस मैट्रिक में शो करेगा लेकिन बोर्ड में शो नहीं करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ थर्मल पैड लगा हो जिसकी वजह से वो नीचे से शॉर्ट हो गया हो, और शॉर्ट होना जब लीकेज हो गया हो, शॉर्ट तो हुआ नहीं, अगर शॉर्ट होता तो फुल ग्राउंड होता। तो अब हम देखते हैं, हमने आप लोगों को डिवाइडर सर्किट के बारे में बताया था, ठीक है, तो अब आप लोग बताएंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो हो गया हमारा प्लस और ये हो गया हमारा माइनस। अब हम इसको ले लेते हैं आईडी लाइन, और हम थर्मल को नहीं बनाते हैं क्योंकि हमें आईडी की जरूरत है ना। अब हमने आप लोग को बताया था कि इसमें होता क्या है कि एक लाइन आती है जिस पर होता है हमारा 1.8, रजिस्टर के इनपुट पर 1.8 होता है, तो आउटपुट कितना मिलेगा 1.8। अभी आउटपुट आएगा हमारा कहां, सीपीयू में, बहुत सही, ये आएगा सीपीयू में। अब हमें एक बात बताइए कि अब यहां से जो लाइन निकली वो आएगा आईडी में, अभी बैटरी नहीं लगी है तो यहां हमें कितना मिलेगा 1.8। अभी बैटरी नहीं लगी है यहां आईडी लाइन पर, बैटरी कंट्रोल पर कितना मिलेगा 1.8, यहां मिलेगा 1.8 बैटरी ना लगे रहने पर। अभी कितना आ रहा है 1.6, अभी कितना आ रहा है 0.6 आधार, मतलब अभी बैटरी हमारी नहीं लगी है और आ रहा है 0.6, लेकिन आना चाहिए से 1.8, हालांकि इसके पहले 1.8 आया था लेकिन कहीं से कुछ लीकेज कर रहा है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो अब या तो हम लीकेज को ढूंढे या तो इसका दूसरा रास्ता बनाए, अगर थर्मल लाइन हुआ तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे ना, आपको दूसरा रास्ता बनाना पड़ेगा। अब हमें ये बताइए कि ये जो लाइन हमें मिली अभी सीपीयू को मिला कितना 1.8, इसलिए सीपीयू ये समझ रहा है कि अभी बैटरी नहीं लगी है, तो अभी सीपीयू ये समझ रहा है कि 1.8 मिल रहा है इसलिए बैटरी लगी नहीं है। लेकिन जब बैटरी लगेगी तो बैटरी का काम क्या होता है कि बैटरी के अंदर एक रजिस्टर होता है जो कि होता है आपका ग्राउंड, और इसकी कोई वैल्यू होती है मान लीजिए 10K और ये हो गया 1K। अब इसमें क्या लगी है मुझे तो पता नहीं, आपको पता नहीं, वैल्यू नापनी पड़ेगी है ना। तो हम बोर्ड की वैल्यू नाप लेंगे, बैटरी की वैल्यू अलग से नापनी पड़ेगी, कैसे नापनी होगी हमने आपको बता दिया। अब यहाँ क्या होता है कि हमें मिलता है यहाँ, अभी जब हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो एक कौन सी सर्किट बन गई हमारी, डिवाइडर सर्किट। तो डिवाइडर सर्किट जब हमारी बन गई तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज का मूवमेंट नहीं होगा, मान लीजिए 0.5 या 0.7 कुछ भी हो सकता है। तो जब बैटरी लगेगी तो यहाँ वोल्टेज हो जाएगा 0.5 0.7, यानी जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट को ये पूरा करेगा, यानी वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। और जब यहाँ पर वोल्टेज 0.5 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 0.5 हो जाएगा। यानी अब सीपीयू को पता चलेगा कि बैटरी लगी, जब सीपीयू को पता चलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, चार्जिंग प्रॉपर लेना पड़ेगा। अब हमें ये बताइए कि अभी हमारे इस लाइन में शॉर्टिंग, मान लीजिए लीकेज है इस लाइन में हमारा लीकेज है, अब बताइए क्या करें, बोलिए, हमारे इस लाइन में लीकेज है, अभी हम क्या करें कि यहां हमें 1.8 भी मिल जाए और जब बैटरी लगे तो यहां 0.5 भी मिल जाए, कौन बताएगा। बोलिए, तो वहां से लाइन ब्रेक करें, बताइए, हाँ आगे बताइए क्या करना होगा, यहाँ का रजिस्टर ओपन कर कहां से ओपन करेंगे, यहाँ से, ठीक है, कट कर देंगे, हाँ यहाँ 1.8 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे अप्लाई लेकर और यहाँ पे एक वो यूवी मास्क लगा के इसको ब्रेक करेंगे पहले, अच्छा, और फिर उसके ऊपर कनेक्टर लगाएंगे, फिर यूवी मास्क चिपका कर इसका कनेक्टर जम्पर लेकर इस पर देंगे, अच्छा ठीक है, 1.8 यहाँ मिलने लगेगा, फिर बैटरी लगाएंगे तो फिर 0.75 या 5 जो भी मिलना चाहिए मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ यू मास क्यों उन्होंने बताया, यू मास लगना जरूरी है क्योंकि इस लाइन को हमें डिस्कनेक्ट करना है ना, ठीक है, बढ़िया,
इस लाइन को हमें डिस्कनेक्ट करना है, तो जब इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देंगे तब ये लाइन फ्री होगी। अगर हम इसी पर ला के जोड़ देंगे तो बात बराबर हो जाएगी, बिना बैटरी लगाए फिर 0.6 हो जाएगा। हाँ, तो हम इस लाइन को करेंगे कट, है ना? ठीक है, चलिए। तो हम रजिस्टर देख ले कितने वैल्यू में ये लगा हुआ रजिस्टर। यहाँ दिखाइए मल्टीमीटर पे। तो ये रजिस्टर हमारा कितने वैल्यू का लगा है? 1.2 जी, है ना? 1.2 का शो कर रहा है। मतलब 1.2 मेगा ओम शो कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा शो कर रहा है। तो वोल्टेज होता रहा ना 1.2 मेगा, और मेगा बहुत होता है, यहाँ होना चाहिए लगभग 1 के का ना। चलिए ठीक है, हम इसको छोड़ा के भी चेक कर लेंगे कितने वैल्यू का है ना। तो हम पहले इसी रजिस्टर को यूज में लेंगे, और जब दिक्कत आएगी तो हम यहाँ 10 के या 1 के का डाल करके देख लेंगे। अभी तो मेगा शो कर रहा है, और मेगा शो कर रहा हो सकता है दूसरे तरफ की वैल्यू लेकर के शो कर रही हो, क्योंकि इसका कनेक्शन सीपू से भी है। तो हम कनेक्टर को निकाल लें या बैटरी से सीधा जंपर कर देते हैं डायरेक्ट? क्यों, बैटरी से जंपर करके इसको यूएमएस लगा के बंद कर देते हैं, बाहर से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अगर सही हुआ तो वो तो आप भी कर लोगे जी। ठीक है, तो हम बाहर से लगा के दिखा देते हैं। देखिए यूवी मास्क जब हम लगा देते हैं, 1 मिनट के लिए होल्ड करना जरूरी है, इसका ध्यान दीजिएगा। जब 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे तभी अच्छे से हमारा यूवी मास्क जो है वो काम करेगा, इसलिए 1 मिनट के लिए होल्ड करना जरूरी है। उधर दिखाइए, बैटरी के आईडी लाइन लगाना है ना, बैटरी के आईडी लाइन जो हम लगाएंगे।
ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं कामयाबी मिली या नहीं, और नहीं मिली तो कैसे मिलेगी। दबा हुआ था, दिखाइए पहले मोबाइल पर, देखिए ये देखिए चार्जिंग ठीक हो गई। अभी क्या था,